सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है आज आप सब लोग 27 बिल्वपत्र ले लें और गौ माता के गोबर को जलाकर बनी हुई भस्म में गुलाब का इत्र, गुलाब जल और केसर मिलाकर बिल्व की ही लकड़ी से बने हुए एक छोटी सी डंडी जिसको एक कलम की तरह बना लीजिएगा, उससे प्रत्येक बिल्व पत्र पर ह्रीम लिखें और ह्रीम लिखने के बाद में इन 27 बिल्व पत्र को दोपहर 12:15 के बाद में शिवलिंग पर अर्पित कर दें। साथ ही साथ आज आप एक पान के पत्ते पर 2 लौंग शुद्ध गोघृत में भिगोकर इनको रखें और साथ में एक पताशा हो और एक जायफल हो, फिर हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां ये हनुमान जी को अर्पित कर दें और बजरंग बाण के 11 पाठ करें। ये सारा काम अगर आज आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही शुभ, बहुत ही उन्नति कारक आपके लिए रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, घर में लगातार लड़ाई झगड़े आपस में हो या बहुत ज़्यादा कलह बढ़ रही हो, मन मुटाव इस स्थिति पर आ चुका हो कि अब अलग होने की सोचने लगे घर वाले, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप एक छोटा सा उपाय करें तो इस सारी समस्या से, इस बहुत बड़ी समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि आप 27 त्रिदल बिल्व पत्र ले लें और गुलाब का इत्र ले लें, शहद ले लें और चंदन ले लें और इस गुलाब इत्र, शहद और चंदन के द्वारा एक शाही बनाएं और शमी या बिल्व की लकड़ी से इस त्रिदल में पहले पत्ते पर राम लिखें, दूसरे यानी बीच वाले पत्ते पर जिस व्यक्ति से मनमुटाव चल रहा हो या जिसकी वजह से कलह हो रही हो उसका नाम लिखें और अंतिम पत्ते पर ओम लिखें और फिर इन बिल्व पत्रों को एक एक करके शिवलिंग पर चिपकाते जाएं। ये क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है और साथ ही साथ आपको मंत्र जाप करना है, ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय 5 माला का जाप करना है, वहीं मंदिर में बैठ के करें तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा, निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। आप कीजिए और इस समस्या से बाहर आइए। ऐसे ही दर्शकों, आर्थिक रूप से परेशान भक्तों को आज एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। आज आप 11 साबुत पत्ते पीपल के ले लें, उन्हें गंगा जल से धोएं, फिर लाल चंदन घिसकर अनार की कलम से और प्रत्येक पत्ते पर सीताराम लिखें, यानी जो चंदन आपने घिसा है जल मिला हुआ वो शाही होगी और अनार की कलम से लिखेंगे सीताराम, फिर इन्हें माला के रूप में पिरोएं और फिर भगवान हनुमान जी को पहना दें। ये मंदिर में करना है और मंदिर में बैठे बैठे 21 पाठ हनुमान अष्टक का यानी संकट नाशन स्त्रोत्र का करें और ये उपाय या तो आप सुबह 9:10 से सुबह 10 के बीच करें या फिर रात्रि में इसी समय करें तो सटीक फल मिलेगा, आप समस्याओं से बाहर आएंगे, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ऐसे जिन छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है या जो लोग प्रमोशन चाहते हैं या राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज दोपहर 12:15 से दोपहर 1:20 के बीच में 108 तुलसी पत्र आप ले लीजिए और लाल चंदन से उस पर राम नाम लिखिए, प्रत्येक तुलसी पत्र पे राम लिखना है और फिर भगवान हनुमान जी को ये पहनाइए माला बना के और किष्किंधा कांड का पाठ आप शुरू कर दीजिए। नित्य एक पाठ आपको करना है 108 दिन तक बिना रुके, लगातार एक एक पाठ करते रहिए। प्रसाद में भगवान को लाल अनार, लाल सेव अर्पित करें, सफ़ेद मावे की शुद्ध मिठाई रहे और गुलाब की माला भगवान को आज आप पहना दें। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, सारी समस्याओं से बाहर आएंगे और आपका जो लक्ष्य है, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, राजनीति के लिए जा रहे हैं या प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, आपका मार्ग निष्कंटक बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस सारी पूजन पद्धति में उपायों में एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, एक तो शुद्ध वस्त्र धारण करना है, भोजन सात्विक रहेगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो फिर हनुमान जी कृपा निश्चित रूप से आपके साथ बन जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर भी ला रहे हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं।